हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे गोभी कीमा। गोभी कीमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो गोभी का फूल। इसके हम सारे डंडल उतार लेंगे। पहले इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम ग्रेटर की मोटी साइड से इसे कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। हमने अपनी गोभी को कद्दूकस कर लिया है। हमने ये एक पैन ले लिया है, इसमें डाल लेंगे तेल। इसे गर्म होने देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और एक तेज पत्ता। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई लहसुन और हरी मिर्ची, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप किए हुए अनियन। ये मैंने 2 बड़े साइज के अनियन लिए हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। हमारे मसाले भी भून गए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम अपनी कद्दूकस की हुई गोभी। हमने अपनी सारी गोभी इसमें डाल दी है। इसे हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब हम इसे ढक के कुक करेंगे जब तक कि हमारी कॉलीफ्लावर सॉफ्ट नहीं हो जाती। हम अपनी गोभी को चेक कर लेंगे और इसे ऊपर हिला लेंगे। अभी इसे कुक होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। हम अपनी गोभी को चेक कर लेंगे। हमारी गोभी काफी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसका तेज पत्ता निकाल देंगे और इसका ढक्कन उतार के इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट होने देंगे। हमारी कीमा गोभी बनके तैयार है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर,
इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, हमारी कीमा गोभी बनके तैयार है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।